सीक्रेट और द क्रिएटिव प्रोसेस फ्रॉम दिस बुक द सीक्रेट। कोई भी चीज आप अपनी लाइफ में अगर चाहते हो तो वो कैसे लेके आओ आप। वी आर द को क्रिएटर ऑफ अवर लाइफ। ये हम शुरुआत से ही जानते हैं, हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट हमको सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, जितने लोग हमारी समाज में रहते हैं वो हमको शुरू से ही सिखाते हैं कि आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हो। बट कोई ये नहीं बताता है कि उसकी सही प्रोसेस क्या है या क्या उन्होंने अपना मन चाहा जीवन उससे क्रिएट किया है। तो वो चीज की हमेशा मुझे लैक फील होती है इस समाज में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो किसी को पता है और उसकी लाइफ में वो एक्सपीरियंस वो खुद फील कर पा रहा है या उसकी लाइफ उसने खुद क्रिएट की है तो उसको शेयर करना ही चाहिए, क्योंकि उसकी सिर्फ एक सक्सेस से हजारों लोगों को उम्मीद मिलती है, हजारों लोगों को जीवन जीने में उत्साह महसूस होता है। क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है, जो हम लो पावर या हम हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, दुनिया कैसी चल रही है, हमारी लाइफ कैसी चल रही है, इसका हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। जब ये फीलिंग आती है ना तब वो सबसे बुरी फीलिंग रहती है, और उससे ओवर पावर करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। और सामान्य व्यक्ति के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी रहती है कि वो उससे ओवर ही नहीं पाता है, और कैसे ग्रोथ करे, कैसे ऐसी बुक्स पढ़े, या उसके पास टाइम ही नहीं रहता है, और अगर टाइम निकाल भी ले तो उसके पास वो नॉलेज ही नहीं पहुंच पाता है। तो अब इस इंटरनेट के थ्रू और ये मोबाइल्स के थ्रू बहुत इजी हो गया है उन तक ये सब चीजें पहुंचाना। तो मैं ये बेसिक आपको इसके इस बुक के द सीक्रेट बुक के लेसन बताती हूँ। बहुत सिंपल 3 स्टेप्स हैं किसी भी चीज को क्रिएट करने के, एंड इट इज एब्सोल्युटली राइट। मेरी खुद की लाइफ के एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ कि ये सच में सही है। आपको सिर्फ उस पर बिलीव करना है और काम करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये फालतू की चीजें काम नहीं करेगी। अगर आप ये सोच रहे हो तो वही होगा, क्योंकि यही लॉ है। आप उसको विश्वास करो नहीं करो, जानो नहीं जानो, वो 24 घंटे काम कर रहा होता है। बस इसका एक फायदा ये होता है कि जब हम जान जाते हैं तो हम सब कुछ अपने अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप उस पर छोड़ दोगे कि जैसा जीवन चल रहा है तो कुछ भी नहीं बदलने वाला, क्योंकि आप दूसरों का जीवन बनाने में अपना एक रोल, अहम रोल अदा कर रहे हो। मींस आप अपना जीवन नहीं बना रहे हो जैसा आप चाहते हो, आप दूसरों का जीवन वो जैसा चाहते हैं वैसे बनाने में उसका उसकी हेल्प कर रहे हो, उसका एक पार्ट बन रहे हो। दो ही कंडीशंस होती हैं, एक तो कंडीशन होती है कि अपना जीवन हम खुद बना रहे होते हैं और उसमें दूसरे लोग हेल्प कर रहे होते हैं हमारी डेस्टिनी में पहुंचने में, और एक जो दूसरी कंडीशन होती है वो ये होती कि हम किसी दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं उसको अपने गोल तक पहुंचाने में या उसकी जो ड्रीम लाइफ है उसको अचीव करने में। सिर्फ दो ही कंडीशन होती है, बीच की कोई कंडीशन नहीं होती। तो आप सोचिए, क्या आप अपनी मनचाही लाइफ जी पा रहे हैं या जो चीजें आप चाहते हो वैसी अपनी लाइफ में क्रिएट कर पा रहे हो? अगर नहीं कर पा रहे हो इट मींस कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो। तो आज की वीडियो में मैं यही एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी कि टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप को क्रिएटर हो, आप इसको समझिए। हर चीज हमारे कंट्रोल में है। हम एनवायरमेंट, सिचुएशन, लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। किसके थ्रू? विचारों के थ्रू। हम अपनी खुद की लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अपनी सोच के थ्रू। क्योंकि आप जैसी सोच रखोगे, जैसा इवेंट इमेजिनेशन करोगे या जैसा आप फील करोगे, सेम वैसे ही चीजें आपके जीवन में आएंगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो उन सब के लिए मैं बेसिक प्राइमरी लेवल का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने की प्रोसेस है वो बताती हूँ इसमें द सीक्रेट बुक में। द क्रिएटिव प्रोसेस का बहुत अच्छे से वर्णन है, और उन्होंने फर्स्ट स्टेप में बोला है आस्क। आस्क मतलब आप अपने जीवन में जो चाहते हो, जो जो चीजें चाहते हो उसकी लिस्ट बनाइए। ऐसे कोई भी पेपर ले लीजिए
उसमें लिस्ट बनाइए कि आपको किस चीज की जरूरत है, क्या आपके जीवन में होना चाहिए, आपका जीवन कैसा होना चाहिए, वो भी लिख सकते हो। वो सारी चीजें आपको लिखना है, चाहे वो मनी हो, रिलेशनशिप हो, या आपका करियर हो, या हेल्थ हो, जो चाहते हो वो सब कुछ एक के बाद एक बहुत अच्छे से लिखना है। प्रेजेंट टेंस में लिखना है, जैसे आई हैव दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, आई हैव अ वेरी हेल्दी बॉडी, आई हैव अ वेरी जॉयफुल लाइफ, जो चाहो आप वो लिखो। प्रेजेंट टेंस पे लिखना है और वेरी क्लियर। उसके बाद इसको डिटेल आप कर सकते हो, बट अगर 5 मिनट की प्रोसेस कर रहे हो तो आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से अपने जो चार एरियाज हैं अपनी लाइफ के, उसमें हेल्थ भी लिख सकते हो आप, मनी के लिए लिख सकते हो, करियर के लिए लिख सकते हो, और रिलेशनशिप के लिए लिख सकते हो, या इसके अलावा स्पिरिचुअल भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, बहुत सारे एरियाज हैं। 12 एरियाज बताएं, जॉन एंड मिसी बुचर की जो लाइफ बुक लिखते हैं या उनका ये प्रोग्राम आता है, वो उन्होंने 12 एरिया बताए हैं। और बहुत सारे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं वो ये चार एरियाज बताते हैं। आपको जो जितना समझ में आ रहा है एक शॉर्ट में, अपनी पूरी लाइफ कैसी होनी चाहिए, कैसे लोग होना चाहिए, आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए, आप एक्चुअली खुद कैसे होने चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस में भी लिख सकते हो, परफेक्ट वेट कितना होना चाहिए वो लिखिए, और ये जो क्रिएटिव प्रोसेस है ये बॉडी में परफेक्ट वेट कैसे होना चाहिए उसके लिए स्पेसिफिकली इन्होंने बताई है। पर ये सभी चीज पे लागू होती है, तो आपको आइडियल चीज कैसे होनी चाहिए वो लिखना चाहिए, बजाय इसके कि मैं जैसे वेट लूज करना चाहता हूँ वेट लूज, तो वो सिर्फ वहीं पे ही आपकी अटेंशन रहेगी कि करना चाहता हूँ वेट लूज। और अगर आप परफेक्ट लिखोगे कि आई हैव 65 kg वेट या है 55 kg वेट, तो वो एग्जैक्ट परफेक्ट वेट पे आपकी फोकस जाता है। तो आपको जो चाहिए उस पे आपको फोकस डालना है, और उसकी क्लैरिटी के साथ पूरे पेपर पे आपको सब कुछ लिखना है, आपका पूरा जीवन, भले उसमें एक महीना क्यों ना लग जाए। और अगर शॉर्ट में लिखना है तो आप 5 मिनट से लेके 1.5 घंटे में आराम से लिख सकते हो। मैं तो गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर आप 5 मिनट भी लिख लिए, केवल 2-2, 3-3 लाइन भी अगर आपने हर एरियाज के लिए लिख दिया, उसी दिन से आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है। मैं तो उसकी लिविंग एग्जांपल हूँ। 7-8 मंथ से ये चैनल, मेरे ख्याल से 9 मंथ होने को आया, चल रहा है, तब से मैं उसको एक एक दिन उस चीज को महसूस करती हूँ। मैं उसके एग्जांपल्स देखती हूँ कि कैसे हम थोड़ी देर पहले उसकी बात कर रहे थे और आज वो हमारे सामने है। बहुत सारे एग्जांपल है। तो इस तरह से आप जैसे ही लिखना शुरू करोगे तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है आस्क, वो पूरा हो जाएगा। सेकंड स्टेप है बिलीव। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आपके पास ये नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। केवल इसकी वजह से ही कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हंसी मजाक का विषय भी बनाते हैं कि हाँ, हमने ये सोचा तो क्या हो जाएगा, हम कुछ काम नहीं करेंगे तो क्या बैठे बैठे ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ऐसा नहीं बोलते कि आप बैठे रहो सोचते रहो। और अगर आप में इतना पावर है, इवन सदगुरु या और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल जो एनलाइटन पर्सन है वो ये भी कर सकते हैं। वो बोलते हैं विदाउट रेजिंग इवन सिंगल फिंगर यू कैन हैव एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट। आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपके पास वो चीज आ जाएगी, कहीं से लोग ला के देके जाएंगे या कैसे होगा उसके बारे में नहीं सोचना। तो ये भी होता है, बट एक कॉमन मैन या एवरेज पर्सन का बिलीव रहता है कि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे अपने आप कैसे होगा। वो जो कैसे वाला क्वेश्चन मार्क है ना, वो हमारा पूरा बिलीव खत्म कर देता है, क्योंकि हम सालों से यही तो देखते आ रहे हैं। कोई भी चीज हमने कभी ऐसी देखी ही नहीं कि हम बैठे हैं और वो चीज अपने आप आ जाए। हमको उठना ही पड़ेगा। मान लो हमको पानी पीना है, हमारे दिमाग में आया कि हाँ पानी पीना है, प्यास लग रही। जब तक आप उठोगे नहीं, ग्लास के पानी को आप पियोगे नहीं, वो कैसे आपकी प्यास बुझेगी। तो हमारा बिलीव भी है और वो कुछ हद तक सच भी है। ये एक डिबेट का विषय ना बने, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आपको उतना ही करना है जितना आपका बिलीव बोले। अगर आपका बिलीव ऐसा है कि मैं केवल मेडिटेशन करता हूँ और वो चीज मेरे पास आ जाती है, तो यस, केवल मेडिटेशन करोगे और वो चीज आएगी, क्योंकि आपका बिलीव है। सबकॉन्शियस माइंड बिलीव के अकॉर्डिंगली ही आपके जीवन में रियलिटी क्रिएट करता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि हम जब मैं अक्सर जब इस मोड़ से, मेरे घर के आगे एक मोड़ है, मैं जब वहां से निकलती हूँ, वहां बहुत ट्रैफिक है,
चारों तरफ से बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, पर मैंने शुरू से एक दो बार मैं गई और मुझे कोई ट्रैफिक नहीं मिला, तो मेरा हमेशा से बिलीव बन गया कि मैं जब भी वहां से निकलती हूँ इतनी बड़े गाड़ियां निकलती हैं, इतना ज्यादा ट्रैफिक, पर मुझे कभी नहीं मिलता। और अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं गाड़ी चलाती हूँ, अक्सर के लगभग हर टाइम मुझे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिलता, बट उसी टाइम कई बार मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि वहां संभाल के गाड़ी ड्राइव किया करो, बहुत बड़े ट्रक वगैरह निकलते हैं। और जब भी मैं उनके साथ जाती हूँ या कई बार वो खुद भी जाते हैं, तो उनको अक्सर वहां भीड़ दिखती है। तो देखिए कैसे बिलीव काम करते हैं। अगर हम सोचते हैं हमें हर बार पार्किंग की जगह मिल जाती तो अक्सर आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से बिलीव बनते हैं हमारी खुद की सोच से, और वो बार 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 होते जाते हैं और हमको लगता है यही रियालिटी है, बट ऐसा नहीं है। आप बिलीव को चेंज भी कर सकते हो, और बिलीव को क्रिएट करने के लिए आपको एफर्मेशंस करनी पड़ेगी, न्यू थॉट ऑफ पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आप जो अच्छे सेंटेंस हैं जिस भी एरिया के एफर्मेशन, जैसे आई एम हैप्पीएस्ट हेल्दीएस्ट वेल्दीएस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, आई एम हैप्पीएस्ट हेल्दीएस्ट वेल्दीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जो चाहो वैसी एफर्मेशन बनाइए, उसको रिपीट कीजिए रोज मॉर्निंग में और सोने से पहले। इवन मॉर्निंग में तो करना ही है आपको, क्योंकि जब तक आप रिपीट नहीं करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो न्यू न्यूरॉन्स बनते हैं वो एक निश्चित समय के बाद अगर रिपीट नहीं करते तो वो वापिस टूट जाते हैं, और जो पुराना आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है वो वापिस आ जाती है। ऐसा होता है ना, कुछ दिन बहुत अच्छे निकलते हैं फिर वापिस वही पुरानी लाइफ, वो इसी वजह से होती है क्योंकि उसको रिपीट नहीं करते हम। एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको रिपीट करना पड़ता है। हो सकता है आपके लिए 21 दिन में हो जाए, किसी को 3 महीने में हो जाए, किसी को साल 2 साल भी लगे, बट रेगुलर बेस पे करना चाहिए, तब जाके न्यू थॉट ऑफ पैटर्न क्रिएट होते हैं और उसकी वजह से फिर आपकी माइंड की रिप्रोग्रामिंग भी वैसी हो जाती है। इस तरह से आप बिलीव अपना क्रिएट कर सकते हो कि आपको ऐसा महसूस करना है कि वो ऑलरेडी आपके पास है, आप उस चीज को रिसीव कर चुके हो, जो भी आप मटेरियल चीजें चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है, आपको ऐसा ही महसूस करना है। ये सेकेंड स्टेप है, और इस बिलीव को भी चेंज करना है। और आप इसको जब बार 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 करोगे ना, तो एक समय के बाद आपको जब वो चीज सच में सामने दिखेगी ना, तो आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा, क्योंकि आप ना उसके साथ जीना सीख लेते हो। वैसे ही जब मेरी गाड़ी आई तो मुझे उस दिन बिल्कुल भी इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था, बल्कि मुझे आपको जब वो कहानी सुना रही थी तब ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो रहा था कि देखो कैसे वो चीज, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसके साथ ही जी रही हूँ, मुझे उस वो है या नहीं ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता था। और ये सबसे अच्छी टेक्निक है मैनिफेस्टेशन की। अब वैसा ही रहना शुरू कर दीजिए, कभी भी कोशिश कीजिए मुंह से वो बात नहीं निकालिए। मान लो आपको 20 लाख आपके अकाउंट में चाहिए कि हाँ मेरे अकाउंट में 20 लाख है, आप उसको बस वही इमेजिन कीजिए, वही बोलिए, भले उसमें 20,000 ही क्यों ना हो, बट आपको सिर्फ यही इमेजिन करना है कि 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, और वो ऑलरेडी हैं वहां पे पड़े हैं, उसको आपको बस वो एनर्जी ही तो है, वही तो फील करना है। और जैसे ही वो सच में जब आएंगे ना, तब आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा कि अरे आप, क्योंकि आपको पता था कि वो है, वो ऑलरेडी मेरे पास है। तो यही तो एक साइन है कि आप सही तरीके से प्रोसेस को यूज कर रहे हो। तो बिलीव वॉट एवर यू वॉन्ट। प्रमोशन चाहिए आपको, आपका बिजनेस बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो बड़े बड़े बिजनेस की भी एक खासियत है, मैं अभी धीरू भाई अंबानी की बायोग्राफी पढ़ रही थी, तो उस समय भी उनके इवन उन्होंने जितना जो अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को फीड किया था, जिस तरीके से कि अभी नंबर वन कौन सी कंपनीज हैं, उनसे भी हमको अच्छी न्यू टेक्निक्स की मशीन्स लेके आना है, उनसे भी अच्छा बनना है, क्वालिटी हमको इम्प्रूव करना है। और उन्होंने इतना बोल दिया था, उन सबको इतना मोटिवेट करते थे कि एम्प्लॉय भी ये फील करने लगे थे कि हम नंबर वन है, हम बहुत अच्छे से काम करते हैं, हमारी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। तो देखिए ये भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि पहले से ही उनको ये महसूस होने लगा था कि वी आर द बेस्ट। तो वैसे ही बिजनेस में भी आपको वो सब कुछ बार 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 जब सोचोगे करोगे तो सच में आपको ऐसा लगने लगता है कि हाँ सब कुछ मेरे पास है। तो बिलीव करने के लिए रिपीटेशन जो एफर्मेशंस की बहुत इंपॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप रात को सिर्फ एक बार विजुअलाइज कीजिए और उसको भूल जाइए, अगर आपको यकीन हो गया कि हाँ वो है। नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे
कम से कम 6-7 दिन करना पड़ता है, कई बार 3-4 दिन करने के बाद मैं सच में भूल जाते हैं ऑटोमेटिकली, पर यही सही प्रोसेस है कि आप करते जाओ और उसको फील करते जाओ, भूलते जाओ, लेट गो करते जाओ, नई चीजें देखते जाओ, फिर वो ठीक हो, दूसरा मैनिफेस्ट करते जाओ, इस तरीके से लाइफ को आगे बढ़ाते जाओ। पर विश्वास होना चाहिए कि ये काम करता है, ऐसे ही आपका बिलीव बन जाएगा तो सेकेंड स्टेप भी पूरा हो जाएगा। और थर्ड है रिसीव, और रिसीविंग के लिए आपको इसमें जो लिखा हुआ है बुक में वो सिर्फ ये कि आपको गुड फील करना है, किसी भी कंडीशन में आपको अच्छा फील करना है। और मुझे जो लगता है वो मैं एक ऐड करना चाहूंगी कि इंस्पायर्ड एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि हम मेरा जो बिलीव बना है वो शुरू से काम करने का ही बना है कि हाँ काम करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। तो ये जो अपना बिलीव रहता है इसको हमको अपने बिलीव के अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ता है, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। हालांकि पहले जो मेहनत लगती थी और कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, थक जाते थे, तो भी काम कंप्लीट करना है तो करना है, और रिजल्ट तो मिलेंगे ही, आप कुछ भी काम करोगे अच्छा तो रिजल्ट मिलने ही है। तो टेक इंस्पायर्ड एक्शन, ये मैं स्पेसिफिकली इसमें सजेस्ट करूंगी कि आपको फील गुड तो करना ही है और खुश रहिए, प्रकृति सुख समृद्धि समृद्धि संपदा सबसे भरी पड़ी हुई है, आप जहां देखो किसी चीज की कमी नहीं है, अबंडेंस का नजरिया रखिए। और ये 3 स्टेप आप पूरे करोगे तो कोई भी चीज मैनिफेस्ट होने से आपके आपके कोई रोक नहीं सकता, कोई पावर कोई फोर्स रोक नहीं सकता, क्योंकि ये लॉ है। आप जो सोचोगे जो भी बोलोगे फील करोगे वही आपकी लाइफ में आएगा, ये रियलिटी है माय डियर फ्रेंड। आपकी पूरी जो वर्ल्ड है वाइब्रेशनल वर्ल्ड है, और बस आज से आप ये 3 स्टेप करना शुरू कर दीजिए, आज से ही आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। आई होप ये 3 स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, किसी भी चीज को पाने के प्राइमरी स्टेप है, आप ये कीजिए। और वी विल बी मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।